हमारा जो सेकुलर संविधान है, हमारा जो सेकुलर सोच है, इसकी मुखालफत वो ऐसी करते हैं। और ये नहीं, जो वैसी तो संविधान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी चाहते हैं, इंडिया को अक्षुण रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस का तो पैदाइशी संपर्क है। नहीं, लेकिन आरएसएस ने उन्हें खिताब दिया, दुर्गा का, साक्षात दुर्गा का खिताब उन्हें मिला हुआ आरएसएस की तरफ नहीं, से। लेकिन आप ममता जी को कम्युनल बता रहे हैं, आप बिहार चले जाएंगे। मैं उनका इतिहास का ब्यौरा दिया मैंने। नहीं, जिस दिन तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर अपना जन्म लिया था, उसी दिन उनका जोट बना था, गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 6 साल तक ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रही, 9 साल तक उन्होंने चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आज के जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर है बंगाल में, वो लोग ममता बनर्जी जिंदाबाद 9 साल तक स्लोगन लगाए थे। एक के बाद तृणमूल के तमाम लीडरान वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि लेफ्ट का झंडा यहाँ पर सिमटा है, लेकिन उखड़ा नहीं है। से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि डॉक्टर साहब सियासी, समाजी और सकाफती तीनों दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हम इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे, छोटे छोटे कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, वतन समाचार में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि एक डॉक्टर होते हुए, इतना मसरूफ़ होते हुए, मुझे आपके बारे में बताया गया कि आप डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से करते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है आज के ज़माने में, जबकि डॉक्टरों पे आरोप लगता है कि वो मरीज़ों की जेब काटते हैं, गला काटते हैं। देखिए, हमारा जो सियासत है या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जो हम जुड़े हुए हैं, उसी दृष्टिकोण से हम अपना जो प्रैक्टिस है, डॉक्टरी प्रैक्टिस, उसको हम जोड़ते हैं। उसी सोच, उसी बुनियाद पर अपना ज़िंदगी भी हम चलते हैं। हमारा प्रैक्टिस भी उसी रुझान के बुनियाद पर है और हमारा सियासत भी उसी रुझान के बुनियाद पर, तो सब एक ही दायरे के अंदर में है। और इसी नज़रियाती बुनियाद पर हम अपना सब काम को अंजाम देते हैं। अगर हम सियासी तौर पर मजदूर और जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनके बारे में अगर हम कोई दावा करते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, कुछ सियासी नीतियों को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो पहचान है वो हमारी डॉक्टरी प्रैक्टिस में भी आपको मिलेगी और हमारे निजी जीवन में उसका जो चेहरा है, उस चेहरे का आपको हर पहलू नज़र आएगी। लेकिन और साहब, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, अमूमन मरीजों को एक तरह से उन पर लूटने का, उनका गला काटने का आरोप लगता है, तो एक आप फवाद हलीम या आप जैसे बहुत कम लोग नज़र आते हैं मार्केट में, क्या वजह है? देखिए, ये तो समाज में जो नज़रियाती, जो तबकियाती जो फ़र्क है, ये उससे पैदा होता है। दो तबके के लोग हैं हमारे समाज में। एक जो समाज का हर एक फल है, हर एक फ़ायदा है, वो लोग बटोर के अपनी ज़िंदगी में उसको समेटना चाहते हैं। और एक वो तबका है जो समाज में जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी पैदा होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, वो लोग इसको तैयार करते हैं और दूसरे वर्ग के लोग उसे उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये दो वर्गों में एक समझदार आदमी, एक सुलझा हुआ इंसान, जिसकी पढ़ाई लिखाई की बुनियाद पर वो अपना ज़िंदगी का रास्ता तय करता है, उसे फैसला लेना है कि वो कौन वर्ग का साथ रहेगा। मैंने ये तय किया है कि जो मजलूम वर्ग है, जो मेहनत कष्ट आवाम है, मैं उनके साथ रहूँगा। बाकी जो हो, चाहे वो डॉक्टरी पेशे के हो, इंजीनियरिंग पेशे के हो, वकालती से अपना ताल्लुक़ रखते हो, सहाफ़ी से अपना ताल्लुक़ रखते हो, उन लोगों को भी ये फैसला लेना पड़ता है। वो जो हमारे समाज में जो मजलूम है उनके साथ रहेंगे या जो सरमायादार है उनके साथ रहेंगे। तो ये हर पेशे से ये सवाल सामने आती है। जो लोग रहते हैं उस पेशे से, वो लोग उस तरीके से अपना फैसला लेते हैं। लेकिन और साहब, जिस पार्टी की आप बात करें, जिस आइडियोलॉजी की आप बात करें, आपको नहीं लग रहा उस आइडियोलॉजी का टाइम ख़त्म हो गया, आपका लेफ्ट आखिरी सांसें ले रहा है बंगाल में? ये तो साफ बात है कि जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कष्ट लोग हैं, जो परेशान हैं, जो इस समाजी व्यवस्था में उन्हें अपना जो मजदूरी का हक नहीं मिलता है, जब तक वो तबका रहेगा तब तक लेफ्ट का झंडा रहेगा। और चाहे लेफ्ट का झंडा सिमट जाए या ज़्यादा उभरे, लेफ्ट का झंडा कभी भी, जब तक मेहनत करने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तब तक ये लेफ्ट का झंडा जिंदा रहेगा। नहीं, लेकिन पिछले 5-7 सालों में, पिछले 40 सालों के मुकाबले गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, नौकरियां जा रही हैं, उसके बावजूद लेफ्ट क्यों नहीं अपनी जड़ें मजबूत कर पा रहा है? नहीं, लेफ्ट का तो जड़ें मजबूत हो रही हैं। आपने
हाल ही में बिहार का जो चुनाव का जो रुझान है वो आपने देखे हैं, 16 सीट में लाल झंडा जीत करके बिहार असेंबली में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वो लोग हाजिर होने वाले हैं। राजस्थान में जो अभी पंचायती चुनाव हुए, तीसरे स्थान पर लाल झंडे के लोग जीत कर वहाँ पर पंचायत में बैठेंगे, और लेफ्ट का साथ बाकी सब किसान मिलकर के सारे हिंदुस्तान में अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका परिचय मिला है। लेकिन जिस स्टेट में 35 सालों तक लंबे समय तक लेफ्ट का झंडा रहा, आज यहाँ पूरी तरह से उखड़ चुका है। ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि लेफ्ट का झंडा यहाँ पर सिमटा है लेकिन उखड़ा नहीं है। अभी भी आप ये जो कोविड के मामले में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 700 से ज़्यादा हमारे जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, हमारा जो श्रमजीवी कैंटीन चल रहे हैं, हमारा यहाँ जनस्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो हमने खोले हैं वो चल रहे हैं, तो सारे बंगाल में अभी इस वक्त लेफ्ट ने जिस जो काम को अंजाम दिया है कोविड के इस महामारी के दौरान, वो काबिल तारीफ है और लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो काम हो रहा है इसमें आपको आश्चर्य होगा, सारे कलकत्ता में तकरीबन 8 करोड़ रुपये साधारण आम जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में दिया है इस काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा बंगाल का इलेक्शन जो है राइट वर्सेस ममता बनर्जी हो गया है, ना कांग्रेस नज़र आ रही है ना लेफ्ट नज़र आ रहा है, जबकि ये खबर ये भी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से ममता का अलायंस हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि लेफ्ट भी उस अलायंस में आ जाए। आप तो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं जी, आप तो साफ साफ ये नज़र आ रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि ममता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, वही लोग ममता बनर्जी के तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता है उनके लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी में उनका सदस्य पद बनाने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। आपने देखा हाल ही में एक के बाद तृणमूल के तमाम लीडरान वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, पिछले 18 जो MP चुन के गए हैं बंगाल से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर, 14 तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। वैसे तो आप केंद्र में देखेंगे सारे कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, जगदम्बिका पाल से लेकर बड़े बड़े एसएम कृष्णा तक काफ़ी लोग। यही तो बड़ी बात है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सेकुलर है और कौन सेकुलर का चोला पड़ा पहना हुआ है। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के हैं, इसकी अगर आप तारीख में जाए, जिस दिन तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर अपना जन्म लिया था उसी दिन उनका जोट बना था, गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 6 साल तक ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रही, 9 साल तक उन्होंने चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज के जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर है बंगाल में वो लोग ममता बनर्जी जिंदाबाद 9 साल तक स्लोगन लगाए थे, और ममता बनर्जी ने कंधा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर 9 साल तक यहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद स्लोगन लगाया। आरएसएस ने उन्हें खिताब दिया, दुर्गा का साक्षात दुर्गा का खिताब उन्हें मिला हुआ आरएसएस की तरफ से। लेकिन आप ममता जी को कम्युनल बता रहे हैं, आप बिहार चले जाएंगे, मैं उनका इतिहास का ब्यौरा दिया, मैं नहीं कह ठीक है, तो फिर मैं उनका इतिहास आपके सामने रख लिया। अगर आप तृणमूल कांग्रेस के चुनावी चिन्ह की तरफ अगर नज़र डाले तो आप देखेंगे उनके चिन्ह में फूल में 3 पंखुड़ियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कमल का फूल है 3 पंखुड़ियां हैं, उनमें 2 पत्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पंखुड़िया के नीचे 2 पत्ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के बुनियादी पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना निर्वाचनी चिन्ह, अपना दल का जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, उसे उन्होंने तय किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस का तो पैदाइशी संपर्क है। लेकिन ये इंटैक्ट जो है, नीतीश कुमार सेकुलर कैसे हो जाते हैं, फिर या चंद्र बाबू नायडू वहाँ सेकुलर कैसे हो जाते हैं, इसका क्या कारण? यही तो हम कह रहे हैं कि जो दल, जैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल कर रखा है बिहार चुनाव में, उसी तरीके से ममता बनर्जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से एक सीधा उन्होंने रिश्ता रखा। जिस दिन अफराजुल हमारे यहाँ के एक मजदूर उसे राजस्थान में मार करके उसे शहीद किया गया, तो उसी दिन ममता बनर्जी राजनाथ सिंह के पास बैठे हुए थे यहाँ पर बंगाल में, उन्होंने सवाल नहीं उठाया राष्ट्र के गृहमंत्री के सामने कि हमारे एक मजदूर का वहाँ पर खून किया गया, आप कुछ कदम उठाएं। तो ये जो मेलजोल है ये तो स्पष्ट है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व छूट दी हुई है, नर्मदा कांड में उनके जो MPs है उनके MPs के खिलाफ जो
सीबीआई की जो चार्जशीट फाइल करने की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात है, वो स्पीकर के जो इजाज़त के लिए रुकी हुई है। पूरा भारतीय जनता पार्टी रुकावट लगाई हुई है। एलके आडवाणी एथिक्स कमेटी के चेयरमैन है, एथिक्स कमेटी की एक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए कदम बढ़ा रही है, वो लोग कमर कसेंगे, लेकिन जो काम करने का वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और एक के बाद तृणमूल के नेता, एक के बाद एक सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। आप जिस तर्क को पेश कर रहे हैं, कलकत्ता में हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि ममता चाहती हैं कि राइट वर्सेस ममता इलेक्शन रहे, ताकि सेकुलर वोट या जो और लोग अपने आप को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ममता की तरफ मूव कर जाएं और लेफ्ट या कांग्रेस दूसरे लोग ख़त्म हो जाएं, और बाद में अगर कोई आए भी तो बीजेपी आ जाए और दूसरे लोग हाशिए पे चले जाएं। सही, ये रुझान सही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चाहती है कि अभी सीधा सीधी लेफ्ट वर्सेज राइट क्लैश ना हो, कुछ सालों तक ममता बीच में रहे और यहाँ पर कुर्सी को गर्म करके रखे, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को थोड़ा सा और बढ़ाए, यहाँ पर कुछ और जगह वो लोग ले लें, और इसके बाद वो लोग चाहती हैं कि ममता बनर्जी सीधा सीधा उनको हैंड ओवर करके चले जाए, और उसके बाद अगर जो लड़ाई है लेफ्ट के साथ, लेफ्ट को और दबाया जाए, सेकुलर फोर्सेस को और भी संकुचित किया जाए, और भी छोटा किया जाए, और तब उनका एक चेटिया जो राज है वो चलेगा। तो ये जो इंटरिम अरेंजमेंट है, जो लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मैं समझता हूँ वो लोग सही सोच रहे हैं कि ममता इज द इंटरिम, मतलब बीच के जो उनका किरदार है मीडिएटर का, और भारतीय जनता पार्टी का हो करके ये काम को अंजाम दे। लेकिन और सब, लेफ्ट बुनियादी तौर पे मजदूरों का संगठन है, ग्रास रूट के लेवल पे काम करने वाला है, उसके साथ माना जाता है कि मजदूर होता है, लेबर यूनियंस के लोग होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता उसके कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है? और अगर कमज़ोर हुआ तो उसका कारण क्या है? देखिए, एक तो है कि बंगाल में 34 साल के दौरान जो खामियाजा हुई है, वो खामियाजा का जो असर है वो एक किरदार अदा किया है। दूसरा है कि एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बाएं महाज का खिलाफ रची गई थी, और तीसरा, हमारे यहाँ पर जो लोग सरमायादार है, जो लोग ज़मींदार क्लास के हैं, जो लोग यहाँ पर मालिक वर्ग के लोग हैं, सिर्फ बंगाल में नहीं हिंदुस्तान में, उनके एक सीधा समर्थन थी ममता बनर्जी के पीछे। तो इन सब जो बिंदु हैं, एक मेरू में आ करके 2011 का जो चुनाव है, उस परिस्थिति में उसे माने संगठित की गई, और यकीनन लेफ्ट को एक बड़ा धक्का मिला है। लेकिन आवाम के दरवाजे में पहुंचने का जो काम है, हमारा जो बुनियादी संगठन है, वो बुनियादी संगठन अभी भी मौजूद है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब इस कोविड परिस्थिति में, जो हमारा यहाँ जो साइक्लोन हुआ, उस साइक्लोन के बाद में जिस तरीके से हमारे पार्टी के लोग आवाम के साथ पास में खड़ा होने का जो काम किया है, उसका एक असर लेकिन 2021 में पड़ना ही, पास ही है किसान का आंदोलन, पास में बुनियादी सवाल। आप अगर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के तूतू में देखें तो ऐसे आपको लगेगा कि बंगाल में सब चीज़ हो गया है। हम लोग कह रहे हैं कि 5.5 लाख जो सरकारी नौकरी, जो अभी तक वहाँ पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, उसे उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी खुलासा करे, टीएमसी खुलासा करे, वो क्या करेंगे इन 5.5 लाख सरकारी नौकरी को लेकर? आपकी जब सरकार थी तो मुसलमानों के ताल्लुक से आप लोगों ने भी कहा था कि रोज़गार इनको हम नहीं देंगे, ये लोग अपना लोन लेके बिजनेस करें, इस तरह की बातें, मदरसों पर भी आप लोगों ने सवाल निशान खड़ा किया था, तो जब आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा ना, ये इलेक्शन में मुद्दे आएंगे? हाँ, यकीनन। आप जब 1977 में जब बायमास पहले आए थे तो तकरीबन 245 सरकारी मदरसा थे, उसे बढ़ा करके 611 सरकारी मदरसा बनाए गए 34 साल के राज्य में। मदरसा सर्विस कमीशन की गई, मदरसा का जो बोर्ड है उस बोर्ड को बाकी सब बोर्ड के साथ बराबर लाया गया, और आपको ये समझना है कि सारे हिंदुस्तान में रियासती स्तर में पहला हज हाउस जो है वो मगरबी बंगाल में बनी, जो पहला मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल बनी सारे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल में बनी, पहला जो मुस्लिम विमेंस माइनॉरिटी कॉलेज बनी सारा हिंदुस्तान में पहला मगरबी बंगाल में बनी। तो ये सब जो हिसाब है, ये हिसाब तो करना ज़रूरी है लोगों के सामने, तो ये खुलासा करना ज़रूरी कि क्या हुआ नहीं हुआ। और 2009 साल में आपका रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बुनियाद पर जो रिजर्वेशन का जो बिल है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में, उस वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के बिल लाएगी, बिल ने गवर्नर ने लौटा दिया,
उसे फिर पारित करके भेजा गया। इस दौरान चुनाव हो गए, ममता बनर्जी ने उस बिल को वापस ले आया और रिजर्वेशन का वो बिल, इसका चेहरा उन्होंने कहा और भी अच्छा बिल हम लाएंगे, वो अच्छा बिल अभी तक मगरीबी बंगाल के अकलियत समाज को देखने को नहीं मिला। क्या आप लोग ओवैसी साहब को गठबंधन में लेंगे? देखिए, ओवैसी साहब तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उस काम को वो पूरा करते हैं, आसान करते हैं, आसान करते हैं, पूरा करते हैं, आसान नहीं पूरा करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोगों ने यह तय किया कि हमारा एक सेकुलर हिंदुस्तान बनेगा और इस सेकुलर हिंदुस्तान के खिलाफ आरएसएस, हिंदू महासभा और उसके बाद उनका राजनीतिक जो हाथ है भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मुखालफत की। उसी तरीके से हमारा जो सेकुलर संविधान है, हमारा जो सेकुलर सोच है, इसकी मुखालफत ओवैसी करते हैं। और ये जो ओवैसी तो संविधान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी चाहते हैं, इंडिया को अक्षुण रखना चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं, यूथ को रोजगार देने की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की वो बात करते हैं। ओवैसी साहब पहले अपने आप को सेकुलर कह ले, एक वाक्य हमको दिखा दीजिए जहाँ ओवैसी साहब खड़ा होकर कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ। ठीक है, वो कहते हैं संविधान सेकुलर है, सब कुछ। जय भीम और जय भीम का नारा देते हैं ना। पहले अपने आप को कहे कि दैट आई एम सेकुलर, ये स्टेटमेंट अब ओवैसी का हमको दिखा दीजिए, कहीं पर भी, पार्लियामेंट में हो, रास्ता में, कहीं भी। ओवैसी साहब का खुद के होठों से ये शब्द कि मैं सेकुलर हूँ, ये हमको दिखा दीजिए। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के मुंह से मैं सेकुलर हूँ ये शब्द नहीं बुलवा सकते, आरएसएस का कोई कार्यकर्ता से नहीं बुलवा सकते, आप ओवैसी साहब से भी नहीं बुलवा सकते कि मैं सेकुलर हूँ। तो इसीलिए ये अगर बोल दें तो आप लोग साथ ले लेंगे, ये सीधा बात है। वो नहीं बोले इतने दिन में, उनका राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो राजनीति है उसको पूरा करने के लिए वो सामने आते हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जिस तरीके से हिंदू वोट को एक तरफ कर देने के लिए बहुत ही आसान रास्ता ओवैसी साहब कर देते हैं, जिसका हमें सीधा अंदाज़ा मिला महाराष्ट्र के चुनाव में, बिहार के चुनाव में हमें इसे अंदाज़ा मिला, और जहाँ जहाँ ओवैसी साहब जाएंगे यही काम को पूरा करेंगे। तो क्या आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं खुद? देखिए, हमारी पार्टी में ये व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं होता, हमारी पार्टी में पार्टी तय करती है कौन कैंडिडेट होगा। इलेक्शन में हम यकीनन लड़ेंगे, कार्यकर्ता के रूप में लड़ेंगे या कैंडिडेट के रूप में लड़ेंगे, दोनों में हमारी पार्टी के सदस्यों को कोई फर्क नहीं रहता। ब्रीफ में छोटा सा मुझे बताएं कि आपके फादर के बारे में कहा जाता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन आज लेफ्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पार्टी की इंट्रीम बॉडी है उसमें जा करके मुखर तौर पर अपनी बात रख सके। लेकिन आपके वाली साहब के बारे में कहा जाता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दों को उठाते थे, पार्टी के लेवल पे मुद्दों को उठाते थे और डंके की चोट पे उठाते थे और अपनी बात मनवाते भी थे। आज कोई ऐसा लेफ्ट में नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये बात तो तय है कि आज जो सारा हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हो रहा है वो हर किसान के संगठन, जो 40 से ज़्यादा संगठन जुड़े हुए हैं, उन्हें लेफ्ट और लाल झंडा से परहेज नहीं है। आप NRC और CA का मूवमेंट देखें तो सारे हिंदुस्तान में जो NRC और CA मूवमेंट के हुए उसमें लेफ्ट और लाल झंडा से उन्हें परहेज नहीं है। आप सारे हिंदुस्तान में जो दलित आंदोलन देखें उस दलित आंदोलन में आज किसी को भी लाल झंडा से कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं सामने आया। डॉक्टर साहब ना, आप भी एक बड़ी शख्सियत हैं, आप हो सकते हैं, बहुत सारे आपकी पार्टी में नेता हैं। जैसे मैंने कहा कि दलित आंदोलन में कोई लाल झंडा से परहेज नहीं है, व्यक्तिगत विषय से ऊपर आ करके आज लाल झंडा सीधा केंद्र सरकार से आंख मिला करके लड़ रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सर्व भारतीय जो स्ट्राइक हो उस मामला हो, और इस मामले में लेफ्ट से जो दबे कुचले लोग हैं वो लोग आज परहेज नहीं कर रहे हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं और सिर्फ रास्ता में संगठित रूप में नहीं आ रहे, निर्वाचन में भी उसका जो प्रकटीकरण हो रही है। जब बर्धन साहब बोलते थे तो पार्लियामेंट खामोश हो जाती थी, लेफ्ट में आज भी कोई ऐसा आदमी नहीं है? चूरी साहब थे तो आप लोगों ने साइड कर दिया उनको डायरेक्टली डायरेक्टली? चूरी साहब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या साधारण संपादक है, तो ये बात है, ये आपकी मनगढ़ंत थोड़ी सी सोच है कि पार्टी के अंदर में लोग साइड कर देते, लड़ाई संग्राम में रहते। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और अभी भी उनका आवाज़ का उतना ही वजन है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये मर्यादा हमारे पार्टी के लोग, जैसे हमारे वालिद साहब हाशिम अब्दुल हलीम साहब थे, ज्योति बाबू साहब थे, उनका जो मर्यादा था, हरकिशन सिंह सुरजीत थे, उनका जो मर्यादा था, वो मर्यादा को लेकर के ही लेफ्ट का जो लड़ाई है आज वो
तय की जा रही है और वो मर्यादा के सामने जिस तरीके से लेफ्ट को लोग अपना रहे हैं ये एक नई रुझान है। और जहाँ जहाँ हम आगे अपने कदम नहीं रख पाते थे उन सब राज्यों में हमारी कदम का जो निशान है वो आपको आज मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया हमें इस इंटरव्यू में शिरकत करने के लिए, दावत देने के लिए शुक्रिया।